रुकना रुक एक सेकेंड. ओके पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब. ओ सॉरी, सॉल्ट प्लस वाटर. सर सर डी लग रहा है. हाँ, वाटर प्लस हीट. यस ठीक है. यस सर. इस क्वेश्चन में लिखना हीट जरूरी है क्योंकि हमें पता है एक्सोथर्मिक है. रिएक्शन में हम प्रोडक्ट्स मेंशन करते हैं, एनर्जी के फॉर्म मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए हम जनरली हीट नहीं लिखते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑप्शंस में दे रखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उस पर क्या है, तो इसलिए हम हीट प्रोड्यूस लिखेंगे. हीट प्रोड्यूस होना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना, तो सेकेंड वाला तो होगा ही होगा. अच्छा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है. Yes. तो ये वाला भी क्या जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं ना, तो सॉल्ट और वॉटर तो फॉर्म होता ही है. लेकिन हमने एक एक्टिविटी करी थी ना कि वो जो हमारी बीकर है वो गर्म हो जाती है. गर्म हो जाती है मतलब हीट इवॉल्व होती है. हीट इवॉल्व होना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इवॉल्व होना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना. तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है, सिर्फ डी. ओके क्लियर है सबको? यस सर. ओके सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं. व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस यूजुअली पास थ्रू गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड. द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द गार्ड टेस्ट ट्यूब इज टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. अब्सॉर्ब दे वॉल्यूम. ये कह रहा है कुछ बच्चों ने. और अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. आया नहीं समझ नहीं आया. मुझे भी नहीं आया पर सर सर शायद डी है. डी है. डी है सर. डी कह रहा है. अच्छा तो मेरे हिसाब से सच सी है सर. मुझे समझ नहीं. अच्छा सी भी है. ओके सी कह रहा है. सी तो कोई बी भी बोल दो. शायद नहीं है. शायद है. किसी को बी लगता है? आपको लगता है क्या? हाँ मुझे बी लगता है. मैं बी कर देता हूँ सर. सारे हो जाएंगे है ना. एनीवे छोड़ो सर. कलरफुल हो जाएगा. बहुत कलरफुल हो जाएगा. एनीवे ध्यान से देखते हैं क्या होता है. HCl ठीक है. HCl क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे. ठीक है. गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे. ह्यूमिड डे है और इसको हमने पास किसके थ्रू करा है? गार्ड कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है. कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? अगर मैं HCl प्लस रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे, HCl प्लस कैल्शियम क्लोराइड इज व्हाट? CaCl2 बिकम्स. सर क्या रिएक्शन होगी इनके बीच बताओ? सर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम है वहां पे? रिएक्शन बताओ, कंप्लीट करो. क्या क्या दोबारा क्या क्या? नहीं रिएक्शन प्रोडक्ट बताओ क्या आएंगे. सर मेरे को लग रहा है सर CaCl3 plus H2. CaCl3. यस सर. अच्छा रिएक्शन शायद बताओ. नोट्स के थ्रू जाओ एंड बताओ क्या हमने ऐसा कोई रिएक्शन पढ़ा है यार. कैल्शियम क्लोराइड का यूज क्या पढ़ा था हमने? सोचो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ. कैल्शियम क्लोराइड क्या स्लेक लाइन? स्लेक लाइन तो होता नहीं है. ये एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली हमने क्लास सर आपकी आवाज चली गई है. हेलो. हाँ सर अब आ रही है. Am I audible, sir? Yes, yes, sir. Okay. चलो
तो हमने जो एक्टिविटी पढ़ी, जो हमने डिस्कस करी थी, एक्टिविटी करी नहीं उसके, इसलिए मैं सारी एक्टिविटीज करवाता हूँ, कि अगर मुझे एसिड एसिड है, ठीक है, मैंने बोला सिर्फ वाटर सोल्यूबल एसिड, या फिर जब एक एसिड को मैं पानी में मिलाता हूँ, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में ही वो अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है, अगर एक्वस फॉर्म में नहीं हो तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे. ये प्रूव करने के लिए, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कि एसिड विल नॉट शो इट्स प्रॉपर्टीज, हम ये चूज करते हैं. एंड इसकी एक्टिविटी कैसे बनती है देखोगे, इसकी एक्टिविटी बनती है, हम लेते हैं HCl, ठीक है, ठीक है, HCl लेते हैं, HCl को हम गैस बनाते हैं, ठीक है, उस गैस को हम, उसको हम पास कराते हैं एक ट्यूब से, ठीक है, इस ट्यूब के बीच में एक गार्ड ट्यूब आती है, गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड होती है, ठीक है, एंड इसके बाद ये ट्यूब आगे जाती है एंड लिटमस पेपर यहाँ पे होता है, मॉइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्ट लिटमस पेपर, पेपर जब लॉइड मॉइस्ट लिटमस पेपर होता है, ये टेस्ट करने के लिए होता है कि अगर मैं HCl को पास कराऊं एंड इसका सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लूं, कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अब मेरे HCl गैस में कुछ भी वाटर नहीं बचा, ठीक है, HCl गैस में जब कुछ भी वाटर नहीं बचा, HCl इन गैसियस स्टेट में जब वाटर नहीं बचा, तो वो यहाँ पे जब मॉइस्ट मॉइस्ट लिटमस पेपर पे जाएगी तो वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगी, ठीक है, कौन सा, ब्लू लिटरस में अगर जाएगी HCl, मॉइस्ट ब्लू लिटरस में, तो वो रेड नहीं कन्वर्ट होगा, विच बेसिकली स्टेट्स कि कोई भी रिएक्शन नहीं होता अगर वाटर सोल्युबल नहीं, अगर वाटर में नहीं मिलाया जाए एसिड को. तो द फंक्शन ऑफ इट इज टू एक सेकेंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, विच इज द सी ऑप्शन. क्लियर है, क्लियर है सबको? सर ये ड्राइंग एजेंट है क्या? सर मुझे क्लियर नहीं है सर, मुझे समझ नहीं आया. क्या आप देवांश बोलो सर? यस सर मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझा दो. यस सर. तो हमने जो एक्टिव, ये किस एक्टिविटी का पार्ट है? दिस इज एन पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी विच स्टेट्स दैट एसिड्स एसिड्स डू नॉट शो इट्स प्रॉपर्टी इन एब्सेंस ऑफ वाटर. ओके, नाउ टू शो दैट इट वुड नॉट रिएक्ट इन एब्सेंस ऑफ वाटर, we will just do a standard litmus test of the gas formed after removing all water molecules from it, and the guard tube, the calcium chloride present in the guard tube absorbs all the water from the HCl solution, so that jo bhi hamare paas product aaya usme kuch bhi moisture water nahi hai, ठीक है, वाटर नहीं है. एंड इससे हमें प्रूव होता है कि जो मेरा लिटमस पेपर है उसमें नो चेंज आता है, इवन दो एक एसिड उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, विच बेसिकली स्टेट्स कि इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स डज नॉट शो इट्स प्रॉपर्टीज. ओके, तो सीए कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या हुआ कि अब्सॉर्ब कर रहे हैं मॉइस्चर, ठीक है. यस सर. ओके, फोर्थ करते हैं, बहुत सिंपल है, प्लीज बता दो. A part. A के अलावा किसी ने कोई करा है? नहीं सर, A ही करा है मैंने भी. क्या करा है? A करा है ना? प्राची करा है? नहीं करा. अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है. HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम सबको पता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स. एसिटिक एसिड किस चीज में फाउंड होता है? विनेगर, CH3CO. डबल ओ नहीं था, COOH. हाँ ठीक है, विनेगर में फाउंड होता है एसिटिक एसिड, एंड एसिटिक एसिड सिंस विनेगर में फाउंड होता है, ऑब्वियसली आप वो खाते हो तो इतना स्ट्रॉन्ग तो हुआ नहीं, तो वीक है. एंड वाटर इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल. वाटर इन प्योरेस्ट फॉर्म इज न्यूट्रल, बट वॉटर इन नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, तो वो तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी और कमी होगी. तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की में मुझे अरेंज करना है तो सबसे कम वॉटर की, उससे ज्यादा एसिटिक एसिड, उससे भी ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और सर अगर बेसिक में करना होगा तो सर उल्टा हो जाएगा.
बेसिक में करना हो, नहीं बेसिक में तब सर बेसिक यार, बेसिक नेचर ही नहीं है उसका तो सर स्ट्रेंथ सर तब भी कम हो गया, स्ट्रेंथ की फर्क ही नहीं पड़ता उससे, ओएच नेगेटिव पर सर ऐसे नहीं होगा कि सर अगर सर अगर स्केल में सर वो है तो फिर सर वो पीछे आगे होंगे ना, नहीं 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 पीएच स्केल से नहीं देखते ये चीज, वो बेस का स्ट्रेंथ डिटरमाइन होता है ओएच नेगेटिव की प्रेजेंस से, इनमें ओएच नेगेटिव ही नहीं है क्या कंपेयर करोगे, तीनों ही बेसिक नहीं है, यू कैन नॉट कंपेयर कि कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, ठीक है क्या क्या मतलब पीएच स्केल कैसे देखते हैं, देखते नहीं रटते हैं, हाँ टेबल नहीं कौन कौन सा मटेरियल कहाँ पे आता है वो रटना पड़ता है, पीएस स्केल नहीं करा अभी हमने क्लास में, कौन वैसे ऊपर 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 से कर रखा है बट कौन सा मटेरियल कहाँ पे आता है ये नहीं करा है, इट्स अ 5 मिनट्स कॉन्सेप्ट कर लेंगे, इतनी कोई मेहनत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो भाई ये बता दो सर, सर ऑप्शन बी सर, सर सोडियम जिंकेट एंड क्या बी या डी सर, मेरे को तो डी डी लग रहा है सर, मुझे सी लिखा आपने, ओके सर मैंने सी लिखा है सर, मैंने बी भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है सर डी डी, ठीक है नोट्स खोलो क्या लिखा है सर, नोट्स की जरूरत नहीं है सर, टेस्ट खोलो ZN, सर ये आपने टेस्ट में दिया था क्वेश्चन, एक सेकंड रुको क्या बोल रहे हो सर, आपने टेस्ट में दिया था क्वेश्चन हाइड्रोजन टेस्ट के लिए, हाँ सो बिकम्स सर Na2ZnO2 प्लस H2 प्लस H2O सर, डी वाला सही है, ओ सॉरी होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें मुझे हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम, इसे क्या बोलेंगे जिंकेट, जिंकेट बी बी सर, सर जिंक का नेचर क्या है सर, जिंकेट क्या बोल रहे हो सर, जिंक का नेचर क्या है, जिंक का नेचर क्या मतलब सर, एसिडिक है कि बेसिक है, मेटल्स क्या होते हैं, एसिडिक रिएक्ट करते हैं बेसिक रिएक्ट करते हैं सर, क्या बेटा मेटल ऑक्साइड एसिडिक या बेसिक रिएक्ट करते हैं, हां सर मेटल्स बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, अच्छा इसका नेचर क्या है, ये क्या फॉर्म हुई है, सॉल्ट फॉर्म हुई है क्या फॉर्म हुई है, सॉल्ट फॉर्म हुई है, ये एसिडिक है बेसिक है, न्यूट्रल है पक्का सर, सर नहीं नहीं सर, सर ZnO2 है तो सर बेसिक है, बेसिक सर बेसिक, यू हैव अ होमवर्क ये देख के आओगे आप, नेचर ऑफ मेटल्स, ठीक है अरे यार एक सेकंड, हाँ नेचर ऑफ मेटल्स आप ढूंढोगे कि वो एसिडिक होते हैं बेसिक होते हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी सरप्राइज्ड विद योर आंसर्स, एंड ऑल्सो आप ये जो सॉल्ट जिसे आप बुला रहे हो वो देखो बेसिक है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ट्राई इट आउट चेक करना फिर बताना, रिमेम्बर इट, आई विल आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट बात करते हैं, ब्राइन बता दो यार, ब्राइन तो मेरे को पता है सर, याद आ गया आपको इसको, हां सोडियम कार्बन सर, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ओके और कोई, रिद्यांश क्या कहते हो आप, मैंने किया ही यही नहीं, ब्राइन नहीं पता, सुना है क्या पता है, हाँ तो सही है, सी सही है, सी सही है, सोडियम क्लोराइड, आई डोंट थिंक मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इट्स अ मतलब इट्स अ कॉमन नेम, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं यार, मतलब ये क्वेश्चन जिसने गलत करा ना, ये क्वेश्चन जिसने गलत करा बेटा, साइंस छोड़ दो अभी से, साइंस छोड़ दो, एनीवेज सर डी है इसका आंसर, हां कराता हूं कौन सा है इसका सर, जगबीर कह रहे डी है सर, 12 का पूछ रहा ना सर, 12th का, थैंक गॉड आई होप सबने डी करा है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने ए बी सी कर दिया हो, बहुत मारूंगा बता रहा हूं, हां बोलो सर,
आपने ये करा है क्यों? बेसिस अल्कली की बेसिक डेफिनेशन ही हमने पढ़ी थी, अल्कलीज आर बेसिस सोल्यूबल इन वाटर, मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, इट इज अ टर्म, इट इज लाइक सेइंग व्हाट इज अ फैन, हवा देने वाली चीज, आई कैन नॉट कॉल अ फैन अ एसी, इट्स दैट सिंपल। हाँ बोलो सर, फिर बेस और अल्कलीज में फर्क क्या है? बेस यार कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, पानी में नहीं मिलने वाले हो सकते हैं, पानी मिला दो तो अल्कली सर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर अल्कली, या बेस विच आर नॉट आर नॉट अल्कली, दिस इज अ नॉर्मल बेस, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल बता दूंगा आपको कि नॉन सॉल्यूएबल बेसिस भी होते हैं कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ऑक्सैलिक एसिड किस में मिलता है, किसी को पता है? सर मुझे एक चीज पूछनी थी, डिटर्जेंट ऑक्सैलिक एसिड सर एप्पल में तो नहीं होता है, एप्पल में तो नहीं होता, इसमें होता है सर, इसी किसी में था सर, इसका सिट्रिक होगा, सर इसका ऑप्शन सर है ही नहीं इसमें, सर कुछ ऐसे नाम से एसिड था सर कुछ, सर अंग्रेजों टैमरिंड क्या होता है? इमली, इमली, हाँ थैंक गॉड किसी को पता, नेट पे देखा ना तुमने? नहीं नहीं सर ये पता था मेरे को, रटा हुआ टार्टरिक एसिड। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ सर मुझे भी नहीं आ रही। सॉरी सॉरी सर, ऑक्सैलिक एसिड मैंने, अब आवाज आएगी क्लियर? यस सर, माय मिस्टेक, चलो आगे बढ़ते हैं। सर सर एक डाउट है सर, ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? ऑक्सैलिक एसिड हमने करा और टोमेटो में, टोमेटो में ही एग्जॉस्ट सर, टोमेटो में सिट्रिक होगा। हाँ सर सिट्रिक लग रहा है मेरे को भी सर, सिट्रिक होगा क्यों सर? मैंने कहीं पढ़ा है कि टोमेटो में सिट्रिक एसिड होता है, सर सिट्रिक होता है, मैंने भी। अच्छा पक्का सिट्रिक होता है सर? सर लेवन, सर लेवन में तो होता ही है, इतना पता है, चेक करता हूँ एक बार, रुको रुक जाओ रुक जाओ, नहीं मतलब आई हैव आल्सो हर्ड इट बट देखते हैं। टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड होता किसमें? जस्ट अ सेकेंड, आप टैमरिंड के बारे में पूछ रहे? टैमरिंड का तो बता दिया आपने, गुड वेरी गुड सर, वो तो सर इसमें लिखा हुआ है सर, वो सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, अब्सॉर्बिंग एसिड, सिट्रिक एसिड मैलिक दोनों लिखा हुआ है सर, बहुत सारे करता है वो ऑक्सैलिक एसिड। सर मेरे को डाउट भी था एक सर, बट टोमेटो में भी होता है यार, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सर, सर सिट्रिक एसिड सर साइड पे क्या आंसर? कंफर्म करूंगा यार इसमें ना काफी सर, जहाँ से आपने लिया है वहाँ पे क्या आंसर? वहाँ पे तो ऑक्सैलिक दे रखा है यार, और इसमें तीनों ही लिखे हैं, इंटरनेट पे भी तीनों ही मेंशन है, सिट्रिक भी है, मैलिक भी है, एंड वो भी है, तो लेट्स सी कि कौन सा है एग्जैक्टली, लेट्स कंफर्म इस क्वेश्चन को, मार्क कर लेते हैं, इवन इंटरनेट पे भी कंफ्यूजिंग लिखा है, लेट्स आई चेक फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, फिर बात करेंगे एक्सपर्ट के जानकारी के बाद। क्या हाँ हम एक्सपर्ट एडवाइस लाइफलाइन यूज करेंगे, नेक्स्ट बार हम कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर बोलो सर, मेरे को डाउट था सर, सर पहले वाले क्वेश्चन में सर जो ZN वाला था, सर सर पर ये तो पढ़ा है कि सर जो बेस है सर वो रिएक्ट नहीं करता सर मेटल के साथ में, सर ये कैसे करेगा? इसके साथ रिएक्ट नहीं करता मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, कहां करता है सर? यार अभी तो करा, अभी जो हाइड्रोजन जो फॉर्म होती थी NaOH वाला जो करा था, NaOH में हमने जिंक डाल दिया तो हाइड्रोजन इवॉल्व हुई थी तो रिएक्ट करता रहा था, ये किसने पढ़ाया?
पर सर ये तो सर एक्सेप्शन नहीं है, ये तो चैटन वाली मुझे याद आ रहा है सर, मेरे को तो ये याद आ रहा है सर ये एक्सेप्शन थी। See, there are cases, this is not basically exceptions नहीं बोलते, अगर एक भी केस प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक ही केस प्रेजेंट है, और भी काफी बेसिस अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अगर रिएक्ट एल्यूमिनियम के साथ भी करता है, तो अगर उसके साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज भी मैटर करती है वो, लेकिन अभी नेक्स्ट उसमें है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो उसमें आप समझोगे कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज मैटर करती है, ठीक है। हाँ बोलो सर, Zn plus KOH क्या होता है? Zn plus KOH, potassium hydroxide, Zn plus potassium hydroxide, मतलब basically होना तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस चाहिए जो हमने जनरल पढ़ा है उससे, लेकिन अगेन 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 आई एम टेलिंग यू ये कॉन्सेप्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे है, एंड जैसा डिस्प्लेसमेंट में भी आपने पढ़ा था ना, रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन कौन से करता है, तो इट्स नॉट ऑलवेज वॉट वी वॉन्ट, ठीक है, हमेशा रिएक्शन ऐसे नहीं होते, तो रेयर सिचुएशन अलग है, हम वही रिएक्शन लिखेंगे, इसलिए मैं आपको रैंडमली कोई रिएक्शन लिखाता हूँ जो कन्फर्म्ड हो, तो कोई रिएक्शन में डाउट आता है तो उसको नोट करेंगे एंड देन उसे कंफर्म करेंगे, देन उस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ क्लास तो होनी यार, वो तो वैलेंसी एंड इक्वेशन फॉर्मेशन पे बेसिकली। एनीवेज तो अभी के लिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। यस सर, चलो 14 बता दो यार। सर कुछ भी कर रखा है इन्होंने, है ना, कुछ भी कर रखा है सर। मुझे तो सर मुझे तो फोर्थ लग रहा है। हाँ रुक जा, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। अच्छा, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निशेस आयरन ऑफ कंडक्शन। में जानना ही नहीं है, HCl है ही नहीं, क्या करना है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। हाँ ये कम्प्लीट तो है, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन है, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट है? नो नो बोलो, हमने पढ़ा था बेसिस में भी कि वो भी कुछ बेसिस वाटर सोल्यूबल हो तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या ये उनमें से एक बेस है? क्या लगता है? आई नो आप लोग को इसका आंसर नहीं पता है, बट सर मैंने तो फोर्थ किया है। क्या फोर्थ? मैंने तो फोर्थ किया है। अरे क्वेश्चन ही अजीब है यार। तो आपने तो कहा था कि सर जो एसिड होते हैं सर वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो लेट्स देख एक बार दोबारा पढ़ते हैं, मे बी हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, दोबारा एक बार देख के समझते हैं। डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन है, रबर रॉक है, ओके, देन No ideas, question को रहने देते because does not make sense. By the way, dilute NaOH does conduct electricity. सर नेट पे लिखा है कि वो strong electrolyte है, नेट पे लिखा। कोई नहीं, चलो छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ क्वेश्चन सर ये रह गया 16। नेटल स्ट्रिंग क्या होती है पहले तो ये बताओ मुझे। सर मैंने सुना है। 21 करते हैं, ये कर दो, ये खत्म करो करके। ये सर वो होता है सर, वो छोटा सर वो होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डी सर क्वेश्चन में दे रखा है कि सॉल्यूशन है, तो मैंने इस वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या लॉजिक है, एसिड भी तो सॉल्यूशन ही है जनरल फॉर्म में तो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रेड लिटमस। ओ यार, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस। रेड लिटमस कब ब्लू होता है? अगर बेस होता है तो जब मैंने ब्लेज में लाया तो मेरे पे जो सॉल्यूशन आया वो ब्लू आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल रिवर्स द चेंज, एंड क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है बट रिवर्स द चेंज ऑन व्हाट लिटमस पेपर। खुद समझना है, क्वेश्चन को स्पेसिफिक होना चाहिए था पर नहीं है। तो एसिड है ये तो कुछ वीक एसिड डालना है, इनमें से कौन सा एसिड है? लाइम बहुत वीक एसिड है, करेगा ही नहीं कुछ। हाँ सर लाइम भी हो सकता है बट सर वो सर पर वो लाइम बहुत वीक है, ठीक है। तो अरे लाइम तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या लाइम? अच्छा ओके ओके, तो बेस है।
लाइम लेमन लगा सर, लाइम लेमन वाला लाइम नहीं है ये सर, लेमन लिखा होता वरना कैल्शियम कार्बोनेट का हमने दूसरा नाम पढ़ा था, लाइम पढ़ा था, लाइम वो वाला लाइम, क्लेग लाइम, डोंट गेट कंफ्यूज, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaO एक और बार बोलना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज CaOH, ठीक है, CaOH कैल्शियम, एक सेकंड क्या बोल रहे हो सर, मैं CaOH बोल रहा हूं, लिखना चाहिए बट कोई नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज, क्विक लाइम, ठीक है तो एसिड ही तो होगा सर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या सर, ओके तब भी तो आंसर एक ही है, हाँ नेटल स्ट्रिंग क्या होता है सर, ये प्लांट है, नेटल स्ट्रिंग भी चेक करते हैं क्या होता है एग्जैक्टली सर, मैंने सुना है ये कुछ प्लांट टाइप सर, नेटल सर वो नहीं होता सर, वो छोटा सा सर जो सर वो होता है एक शायद एक छोटा सा सर होता है, एक एनिमल टाइप होता है, क्या बोलते हैं इंसेक्ट टाइप कुछ होता है, मुझे याद आ रहा सर, होम रेमेडी ये तो मुझे पता है बट एक सेकंड यार इसका ना I do remember. सर ये ना नहीं एसिड तो पता है बट नेटल ना सर, हाँ बोलो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो एक सेकंड मैं रीचेक कर देता हूं, ए होगा, नेटल स्ट्रिंग इज ए, मैटी वेनोविक, वैसे लॉजिकली भी यही है मतलब बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या कहता है, और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता तो हटा दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, यही होगा, टार्टरिक टैमरिंड में होता है, बट आई डू रिमेंबर इट्स ना, ये मतलब एक कॉमनली डेली में ना सर, ये डॉग प्लांट होता है ना उसके लिए, हाँ मतलब आई डोंट रिमेंबर एक कैसे रिलेट करके समझाऊं, मतलब एक ना टर्म ये दिमाग में आई थी, चलो कभी और डिस्कस करेंगे वो तो छोड़, ठीक है तो काफी क्लासेस अब ऐसी होंगी जिसमें एमसीक्यू डिस्कस कर रहे होंगे हम, क्योंकि आपका एमसीक्यू का पेपर है सैडली, बट या सैडली मजा भी आएगा, क्या बोल रहे हो सैडली क्यों यार, सैड फॉर मी ना, मजा नहीं आता सर, बट एमसीक्यूज उतने मुश्किल होते हैं सर, सब्जेक्ट से भी ज्यादा मुश्किल तो सर एमसीक्यू है, सर आप तो वैसे कहते रहते हो, मुश्किल तो पर कांसेप्ट कांसेप्ट वाले होते हैं जो कि कांसेप्ट अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन मजेदार है, मजेदार है यार क्वेश्चन, मजेदार तो साइंस में तो अभी तक नहीं आए, कोई फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में तो सीन, मजेदार क्या होता है ज्यादा आपको नहीं आता होगा सर, आपने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग नहीं बताया, हां नहीं वो टॉक्सिन कांसेप्ट मजेदार है, 14 तो गलत क्वेश्चन है यार, वो तो समझ ही नहीं, गलत क्वेश्चन है सर, आपने कैल्सिनेशन नहीं बताया, क्या कैल्सिनेशन यार, टॉपिक करा ही नहीं क्लास में, तो डाउट तो तब लेंगे ना जब टॉपिक करेंगे क्लास में, रुक जा यार सर, वो तो अब अगले चैप्टर कब शुरू होगा, क्या अगला चैप्टर नहीं शुरू होगा एग्जाम, अभी हमने सॉल्ट नहीं करे है, नेक्स्ट क्लास पूरी सॉल्ट की है, हाँ तो बचा है ना अभी सबर, लेकिन वो तो मेटल्स नॉन मेटल्स में दे रखा था यार, पता है मुझे, तो रुक तो जाओ, कैल्सिनेशन इंट्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं ना, नुकसान क्या है उसमें, है ना, अच्छा चलो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सर, हैव अ नाइस, थैंक यू सो मच सर।